आइए बच्चों, आज हम लोग आयु संबंधी प्रश्नों को हल करना सीखें। हमारा प्रश्न है, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ प्रश्न में माँ और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। आइए हम लोग हल करते हैं। माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष। हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना होता है कि प्रश्न में जो व्यक्ति छोटा है, हमें सबसे पहले उसी की वर्तमान आयु को मानना है। क्योंकि माँ और पुत्र दोनों में कौन छोटा होगा? पुत्र छोटा होता है, तो पुत्र की वर्तमान आयु को हमने क्या माना है? एक्स वर्ष। इस तरह से माँ की आयु कितनी हो जाएगी? प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। यानी कि माँ की वर्तमान आयु कितनी है? माँ की वर्तमान आयु बराबर अपने पुत्र से 5 गुनी है, यानी कि 5x वर्ष। तो माँ की आयु क्या हो गई? 5x वर्ष। अब देखें, आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। 8 वर्ष पश्चात, ये पश्चात शब्द जो है ये प्रदर्शित करता है कि वर्तमान आयु से 8 वर्ष बाद की बात की जा रही है। तो 8 वर्ष बाद या 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु क्या होगी? पुत्र की आयु वर्तमान कितनी है? एक्स है। तो 8 वर्ष बाद क्या होगी? एक्स प्लस 8 वर्ष। और 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु क्या हो जाएगी? वर्तमान में उसकी 5x वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद होगी 5x प्लस 8 वर्ष। अब देखें, हमने 8 वर्ष पश्चात दोनों की आयु को निकाल लिया है। अब प्रश्नानुसार यहाँ देखें, ये कहा जा रहा है 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि 8 वर्ष बाद जो माँ की आयु है वो पुत्र से 3 गुनी है। तो प्रश्नानुसार यदि हम पुत्र की आयु को 3 गुना कर दें तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। आइए, माँ की आयु है 5x प्लस 8, इसको हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया, और पुत्र की आयु है हमारी x प्लस 8, इसको 3 गुना करना है, तो इसमें हमने 3 का गुणा कर दिया। अब देखें, इसे हल करते हैं। 5x प्लस 8 बराबर, इस 3 का गुणा हमें कोष्टक के अंदर करना है, तो 3 का गुणा पहले x में करेंगे तो 3x प्लस 3 का गुणा 8 में करेंगे तो 3×8=24। अब ये दोनों जो चर राशियां हैं हमारी, इनको बराबर से एक तरफ और जो अचर पद हैं उनको बराबर के दूसरी तरफ रखेंगे। 5x यहीं बना रहा, बराबर के उधर जो चर पद है हमारा 3x, उसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -3x बराबर, अचर पद 24 को हम लोग पहले लिखेंगे, प्लस का 8 दूसरी तरफ पक्षांतर हो रहा है तो हो जाएगा -8। अब देखें, 5x से 3x घटाना है, तो 5x से 3x जाएगा, बचेगा 2x बराबर, 24 में से अगर 8 हम लोग घटाएंगे तो बचेगा 16। अब x बराबर कितना हो जाएगा? 16 और बटे में 2, 2 से ये 16 8 बार में कट जाएगा, 2×8=16, तो x का मान कितना निकल कर आया? 8। अब देखें, हमें क्या करना है, माँ और उसके पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी है। तो सबसे पहले पुत्र की वर्तमान आयु हम लोग लिखते हैं। पुत्र
पुत्र की वर्तमान आयु बराबर, कितनी हमने पुत्र की वर्तमान आयु को क्या माना था, एक्स वर्ष, एक्स की जगह हम लोग एक्स का मान लिखेंगे 8। तो इस तरह से पुत्र की वर्तमान आयु क्या निकल कर आई, 8 वर्ष। अब देखें माँ की वर्तमान आयु क्या होगी, माँ की वर्तमान आयु बराबर कितनी मानी थी हमने, 5x वर्ष, बराबर 5 में गुणे x की जगह 8 लिखा तो 5 अट्ठे 40 वर्ष। इस तरह से पुत्र की वर्तमान आयु 8 वर्ष और माँ की वर्तमान आयु 40 वर्ष निकल कर आई।